पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है, अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर चुके हैं, रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2017 में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी से होता हुआ पंजाब कांग्रेस तक पहुंचा, लेकिन अगर रुझानों की माने तो कांग्रेस को इन चुनावों में 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट हार चुके हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया था और इस बार वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो अपनी दोनों ही सीटों पर पीछे चल रहे हैं। इस वीडियो को शूट करते वक्त तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में 89 सीटों की लीड पर थी। अगर यही स्थिति बनी रहती है परिणाम आने तक तो इस जीत के मायने बहुत व्यापक होंगे, खासतौर पर ये देखते हुए कि उत्तर प्रदेश के रुझान ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के लिए यह खबर ज्यादा बुरी है। एक राज्य जहां पर उन्हें सरकार चलाने का मौका मिला वो राज्य वो गंवा दें। बात अगर पंजाब की करें तो चरणजीत सिंह चन्नी को खूब मीडिया अटेंशन दी, उन्होंने खूब बयानबाजियां भी की, लेकिन अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी अपने दोनों ही सीट हार जाएंगे और शुरुआती रुझान इस तरफ इशारा भी कर रहे थे। बात अगर चुनाव प्रचार की करें तो अरविंद केजरीवाल पर न जाने कितने हमले किए, क्या क्या नहीं कहा था। बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब को आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं करना चाहिए, केजरीवाल अलगाववादियों का समर्थन करते, इस तरह के आरोप उन पर लगे। खुद उनके साथी रहे कुमार विश्वास ने उन पर आरोपों के सिलसिले को और भी अधिक बढ़ाया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि एक दिन मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा और अगर पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा, उन्हें आतंकवादी तक कहा गया। लेकिन अपने ऊपर हुए तमाम हमलों और तमाम आरोपों को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कैंपेन का शक्ल दे दिया, स्वीट आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग होने लगा और अब जनता ने फैसला दे दिया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पताल, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की गूंज के सामने वोटर्स कुछ और नहीं सुनना चाहते, उन्हें सनसनीखेज बयानबाजियों से मतलब नहीं, उन्हें काम से। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पंजाब में यह जीत इस ओर इशारा करती है कि अगर आप काम दिखाकर वोटर्स के बीच में जाएंगे तो वोटर्स का पूरा प्यार, वोटर्स का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति काफी खराब होने वाली है और 2024 के लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। नए नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं और फ्रंट फुट पर नए नए राजनीतिक खिलाड़ी आ सकते हैं। अब देखते रहिए पॉलिटिक्स, आप सभी का शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। पॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।